ईश्वर की अनंत शक्तियां निरंतर कर्मशील हैं, कर्मशील हैं, या यो कहें निरंतर सेवा में हैं। उनके कर्म में कोई आसक्ति नहीं है। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुं धरा शरीर। तो कर्म का एक आधार भौतिक है और कर्म का एक आधार चेतना की एक दिव्य स्थिति है। हम अंतःकरण लेकर आए हैं अपना अपना, हमारे पास मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, और जैसा जैसा लेकर आए हैं, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, हम की जो स्थिति है, हम उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने अंतःकरण को शुद्ध से शुद्ध बना सकते हैं। हम अपने अंतःकरण को और निम्न से निम्न भी बना सकते हैं। हम जैसा भी अंतःकरण लेकर आए हों, जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, जैसा अहंकार, आत्मा के साथ ये अंतःकरण है। हम जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा चित्त, जैसा अहम लेकर आए हो, उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम उसे निर्मल से निर्मल बना सकते हैं। हम चाहें जैसा लेकर आए थे उससे और खराब भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, क्योंकि कर्ता स्वतंत्र है। ईश्वर ने दे दिया मन, बुद्धि, उसका उपयोग, उसका दुरुपयोग, उसका सदुपयोग, वो निर्भर है हमारे ऊपर। आत्मा स्वतंत्र है और अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। हम बदल सकते हैं, हम परिवर्तन कर सकते हैं, हम प्रकृति से परे पदार्थों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि हम आनंद प्राप्ति के इच्छुक हैं, हम आनंद चाहते हैं, हम शांति चाहते हैं। प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक हमारे कर्मों के मूल में शांति की ही कामना है, शांति की ही अभिप्सा है। हम अनुकूलता चाहते हैं, हम अपने मनोरथ की सिद्धि चाहते हैं, हमें दुख नहीं चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए। दुखाद् उद्विजते सर्वः, सर्वस्य सुखमीप्सितम्।
हमें आनंद चाहिए क्योंकि हमने उस परम आनंद का अनुभव किया है। इस शरीर से, संसार से, इन संबंधों से, इन पदार्थों से जो कुछ भी प्राप्त होता है, और जितना कोई प्राप्त कर सकता है वह सब क्षणभंगुर ही होता है, आया है वहीं से, लेकिन है परिवर्तनशील, है मिटने वाला, स्थायी नहीं है, बदल रहा है सब कुछ और तत्क्षण ही बदल जा रहा है। वो ओस की एक बूंद है, जल की एक बूंद है, छूते ही जैसे मिट जाती हो। सीक बूंद सम जगत सुखा, कसा समुंदर जान, परमानंद को किमि कहूं सक्य वचन नहीं ज्ञान। अमृत कुंड हिलोल से एक बूंद गिरी आए, सोई बूंद छनी प्रकृति में जग जीवन सुख पाए। तो जो अल्पसा है इस संसार में वो भी उसी का है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। जो अल्प है भी वह भी उसी का है, उससे भिन्न कुछ है नहीं। हम आनंद चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है, इसलिए हम चाहते हैं। हम अपनी कामनाओं की सिद्धि चाहते हैं, हम अनुकूलता चाहते। हम दुख नहीं चाहते, क्यों नहीं दुख चाहते? क्योंकि परमात्मा में दुख है ही नहीं, इसलिए हम भी दुख नहीं चाहते। परमात्मा में दुख है, दुख नहीं है। समाधि में दुख है, दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में, सुसुप्ति में दुख है। मैं, तू, यह, वह, मेरा, तेरा, यहां वहां, कोई दुख, कोई अशांति, कोई अनियंत्रण, कोई अवसाद, गाढ़ी नींद में, पूर्ण निद्रा में, सुसुप्ति में कोई दुख का अनुभव है? कोई जागृत के प्रपंचों की स्मृति है गाढ़ी नींद में? कोई दुख है, कोई अशांति, कोई तनाव, कोई अवसाद? गाढ़ी नींद में नहीं है। परमात्मा में दुख है, दुख का काम तमाम, दुख खत्म। समाधि में दुख है, मोक्ष में दुख है, मोक्ष में दुख है, दुख नहीं है। दुख छू नहीं सकता वहां, दुख पहुंच नहीं सकता वहां। मुक्ति में दुख है, जीवन मुक्ति में दुख की पहुंच नहीं है वहां। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। समाधि में दुख नहीं है, परमात्मा में दुख नहीं है, जीवन मुक्ति में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है, मोक्ष में दुख नहीं है। सुसुप्ति में जिस प्रकार दुख नहीं है, दुख नहीं है वहां। रस ही रस है, प्रेम का आंतरिक प्रवाह है, ब्रह्म ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्मेति बजानात् आनंदाद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। उपनिषद में ऋषि कहते हैं
क्रमशः आनंद का पथ गतिमान हो। हताशा निराशा कुंठा अवसाद न्यून से न्यून हो और कम से कम हो, समाप्त हो, मन श्रेष्ठ भूमिका में हो, यही ब्रह्म विद्या का कार्य है, विहंगम योग का कार्य है। हमारे मन को एक ऊंची भूमिका में ला देता है विहंगम योग, सद्गुरु का यह ज्ञान, सद्गुरु का यह विज्ञान, स्वरवेद का यह स्वर हमारे मन को एक दिव्य भूमिका में ले ला देता है। हमारे मन की दो भूमिकाएं हैं, एक उच्च भूमिका है, एक हमारे मन की भटकाव की भी भूमिका है, एक हमारा निम्न मन भी है और एक मन की ऊंची भूमिका है। यह दो बातें हैं। जहां मन की ऊंची भूमिका है वहां दिव्य आत्मीय गुण है, आत्मीय गुण है। वहां दिव्य आत्मीय गुण है, जहां जहां मन की ऊंची भूमिका है। युगपत ज्ञानानुतपत्तिर मनसो लिंगम, हमारे जो ज्ञान है वो क्रमशः होते हैं, एक साथ नहीं होते, पर हमें ऐसा लगता है कि एक साथ कई ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। पंच विषय गो अर्थ है, पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भींग, मन सत्ता, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लिंग। इंद्रियों के पांच विषय हैं, क्रमशः मन से संबंधित हैं, लेकिन इतनी गति तीव्र है कि ऐसा लगता है एक साथ इसका विषयों के साथ संबंध है, लेकिन मन एक समय में एक ही विषय के साथ संबंधित है, यही मन है और यही मन की कमजोरी भी है, मन यही पकड़ में आता है। लेकिन गति इतनी चपल है, गति इतनी चंचल है कि ऐसा लगता है कि एक समय में कई विषयों के साथ यह संबंधित है। वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, यथार्थतः ऐसा होता नहीं है, एक समय में एक ही विषय के साथ जो संबंधित रहता है वही मन कहलाता है। युगपत ज्ञानानुतपत्तिर मनसो लिंगम, ऋषि कहते हैं हमारे ज्ञान क्रमशः होते हैं और जिससे यह हो वह मन है, लेकिन गति इतनी तीव्र है कि ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य विषयों के साथ भी यह संबंधित है। जब एक समय में एक विषय के साथ संबंधित है तब कोई भी हीन विचार आए, कोई भी निरर्थक विचार आए, कोई भी अकल्याणकारी विचार आए तो उसे श्रेष्ठ विचारों से दूर कर दे। अंधेरा कहां है? अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है, अंधेरा वहीं पर है जहां पर प्रकाश नहीं है, प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है। अंधेरा कहां है? बस वहीं जहां प्रकाश नहीं है, अंधेरे का स्वयं में कोई अस्तित्व ही नहीं है। गंदगी कहां है? बस वहीं जहां स्वच्छता नहीं है, अंधेरा है तो केवल अंधेरा है, अंधकार जैसे अहंकार हो। प्रकाश का अभाव ही अंधेरा है, अंधेरा और कुछ नहीं।
सुविचारों से, श्रेष्ठ विचारों से, पवित्र विचारों से, कल्याणकारी विचारों से हम मन के अंधेरे को दूर करते हैं। ज्ञान के प्रकाश से मन का अंधेरा नष्ट हो जाता है। पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को, पृथ्वी पर अशुद्ध से अशुद्ध स्थान के जल को सूर्य की किरणें क्षण मात्र में शुद्ध कर देती, अपने जैसा बना लेती है, अपने जैसा बना लेती है। अग्नि का काम है शुद्ध करना, पवित्र करना, अपने जैसा बना लेना, दोषों का क्षय कर देना। अग्नि का काम है अपने जैसा बना लेना, सूर्य की किरणें क्षण मात्र में अशुद्ध जल को अपने जैसा बना लेती हैं, शुद्ध बना देती है। शिष्य के अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, अंतःकरण में कैसा भी अंधेरा हो, सदगुरु ज्ञान की किरणें, स्वर वेद की किरणें शिष्य के मन के अंधेरे को, अंतःकरण के अंधेरे को क्षण मात्र में दूर करने का सामर्थ्य रखती हैं, सामर्थ्य रखती हैं। कैसा भी अंधेरा, कोई हीन भावना ना हो, कोई हीन भावना ना हो, कोई अवसाद ना हो, कोई अवसाद ना हो, जीवन आनंददायी बने। मूल बात ये है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ही आनंद स्वरूप है। हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद मन की नीची भूमिका में रहने के लिए मानव जीवन नहीं है। मन की ऊंची भूमिका में हमारी स्थिति हो। जब भी ऐसे अनियंत्रित विचार, असंयमित विचार, विचारों का यह प्रवाह है जो बहता जा रहा है, हजारों हजार विचार आते हैं जाते हैं, विचारों का यह प्रवाह है कितनी तीव्रता के साथ है। वैज्ञानिक बतला दे, एक व्यक्ति एक दिन में 60,000 से अधिक विचार कर सकता है। जिसका रजोगुण बढ़ा हो, रजोगुण चंचलता बढ़ी हो, प्रकृति का एक गुण रजस है वो बढ़ा हो, देखिए कितने विचार करता है। इलेक्ट्रोड लगाकर उसका अध्ययन किया जाए मस्तिष्क की तरंगों का, कि कितना विचार कर रहा है, इसके विचार कितने बदल रहे हैं, कितना अनियंत्रण है, कितना असंयम है। जैसे प्रथम भूमि की साधना पर परीक्षण से यही ज्ञात हुआ, मस्तिष्क शांत है। और शांत ही नहीं, शांत तो मुर्दा भी होता है, केवल शांत नहीं है वो सचेष्ट है, सचेष्ट है ऐसा विहंगम योगी। रेस्टफुल अलर्टनेस, शांतिमय सचेत अवस्था। 192 इलेक्ट्रोड से विहंगम योग की प्रथम भूमि की साधना पर परीक्षण किया गया, जिससे यह ज्ञात होता है कि मस्तिष्क शांत है। और केवल शांति नहीं, सचेत है, अलर्ट है, बिल्कुल जागरूक है। ध्यान एक स्वस्थ स्थिति है, सहज स्थिति है, वो कोई निद्रा तंद्रा अवसाद की स्थिति नहीं। ध्यान कोई जीवन से भागने का नाम नहीं, जीवन को जीने का नाम है, जीवन को ठीक ठीक समझने का नाम है ध्यान। कोई जीवन से विरत लोगों के लिए नहीं। बहुत बार यह कहा जाता है कि ध्यान साधना उनके लिए है जो जीवन से विरत है, वस्तुतः यह विपरीत बात है। ध्यान साधना योगाभ्यास उन सबके लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है, जो जीवन को समझना चाहते हैं, तो जीवन को जीना चाहते हैं, तो जीवन को ठीक ठीक समझ लिया तो इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया।